आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय, जहां पर मूव अच्छी इस समय आ रही है। बट एक स्टॉक जहां पर भारी भरकम पिटाई हो रही है और वो है कोफोर्ज। अब 7.5% टूट चुका है ये काउंटर। एक बार सचिन जी से जरा कोफोर्ज के चार्ट पर राय लेनी है। सचिन जी, अभी आप इन्फी की बात कर रहे थे, बट कोफोर्ज फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट थी, आज तो खैर काफी भारी पिटाई हुई है इस काउंटर की। अब अगले लेवल्स इसके लिए क्या निकलते हैं? दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन नज़र आ ही रहा है। इनफैक्ट 5900 के आसपास से फ्राइडे थर्सडे के सेशंस में जो रिकवरी हुई थी, तो ये पर्टिकुलर लेवल यू नो काफ़ी अच्छा डिपेंडेबल सपोर्ट ही यू नो के इंडिकेशन ही दिखा रहा था। बट जिस तरीके से वापस इसके नीचे स्लिपेजेस हुए, तो आई थिंक इसका जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है वो लगभग अराउंड 5600 के आसपास है, जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी टेस्ट है। एंड प्लस इसके डेली आरएसआई पे एक काफ़ी बड़ा ओवरसोल्ड जोन हिट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। बट 5600 का सपोर्ट मुझे लग रहा है वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो फिर मेजर सपोर्ट 5200 के पहले प्लेस नहीं है, तो अगर रिवर्सल होना है या स्टेबिलिटी आनी है तो इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास नजर आ सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है, जिस तरीके से पूरे सेक्टर में थोड़ी सी हलचल है, तो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 5740 के आसपास ट्रेल करें। ओके, जब से इनकी फंड रेज की खबर आई है तब से हम देख रहे हैं स्टॉक में पिटाई। थर्सडे नाइट को आई थी आई थिंक खबर, फ्राइडे और आज देख लीजिए भारी भरकम पिटाई हुई है। खबर आ रही है कि QIP के जरिए ये फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो इक्विटी से के जरिए फंड रेज करें। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, बाजार फंड रेजिंग आज तो खैर वैसे पूरे IT में दबाव है, बट स्पेशली फंड रेजिंग को लेकर कोफोर्स पर थोड़ी चिंता दिख रही है बाजार को इस समय? बिल्कुल चिंता दिख रही है, इसलिए शायद डाउनवर्ड रिएक्शन इतना बड़ा कट दिखा रहा है। बट कोफोर्ट पे हमारी जो रिकमेंडेशन है वो बाई की है। 6730 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। हम मानते हैं कि जिस हिसाब से ऑर्डर विंस टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्ट्रांग है, ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि स्टॉक में अभी करेक्शन है, अगर आपने ले रखा है तो ये एवरेजिंग का बेनिफिट रह सकता है, या फिर अगर एक आध दो दिन के लिए आपको न्यूज का वेट एंड वॉच करना है तो करके फिर एवरेजिंग करें, यही सलाह रहेगी। ओके, सिद्धार्थ जी का पॉजिटिव व्यू है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके लोअर लेवल्स पर एवरेज करने की सोच सकते हैं। कोफोर्ज इस पर रखिए नज़र, आज वैसे भारी भरकम पिटाई इस काउंटर की हो रही है। कोफोर्ज ने बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, मिड कैप ITC, ये दोनों काउंटर्स भी आज आपको कमजोर दिख रहे हैं, तो आज थोड़ा मोमेंटम लॉस IT में डेफिनेटली आप होते हुए देख रहे हैं। बाकी